दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि नवंबर माह के इन 7 दिनों के अंदर मिलने वाली है 5 बहुत बड़ी तूफानी खबर। जहां दोस्तों यूं कहें अब तक की 5 सबसे बड़ी खुशखबरी आपको इन 7 दिनों में मिलने वाली है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से। 14 नवंबर से 20 नवंबर इन 7 दिनों के अंदर गुरु पुष्प अमृत योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, सर्वाद सिद्धि योग, एक धन योग और 2 राजयोग बन रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें इतने शुभ योग बनने से इन 7 दिनों में आपको 5 बड़े परिवर्तन देखने को भी मिलने वाले हैं। जी दोस्तों और यही 5 बड़े परिवर्तन आपको 5 बड़ी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं। पैसा और कार्य लाभ दोनों बनने वाले हैं। बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। इतना अच्छा समय भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए 14 नवंबर से 20 नवंबर का आया है। जा दोस्तों कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरियां हैं, कौन कौन से 5 बड़े तूफानी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा, पैसा कार्य लाभ किस प्रकार आपके लिए बनेंगे, संपूर्ण सटीक जानकारी इन 7 दिनों की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सारे काम छोड़कर वीडियो को सबसे पहले अभी पूरा देख लें। बता दें ये जो समय 7 दिनों का आया है आपके लिए पूरे दोस्तों पूरे 11 महीनों के बाद आया है। बता दें 11 महीनों के बाद ऐसा शुभ समय 7 दिनों का आपके लिए आया है जिसमें भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी आपके ऊपर एक साथ अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें बिना काटे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी, कल्याणकारी सिद्ध होंगी। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन सावधानियों को यदि आप इन 7 दिनों में बरतेंगे तो मैं यकीनन कहता हूं कि आपको इन 7 दिनों में बड़े लाभ को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा लाभ आपको मिलेगा, समय का पूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महाभाग्यशाली वीडियो आपके लिए है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त लाइक करना वीडियो को और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके घर परिवार वालों के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके लिए 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि नवंबर माह के इन 7 दिनों का यह समय रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह गोचर तथा भाग्य आपके पक्ष में पूरी तरह काम कर रहे हैं, इसलिए अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसलिए आप प्रयासरत रहें। युवा वर्ग कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। जी दोस्तों कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने से आपको राहत महसूस होगी, बहुत खुशी महसूस होगी आपको। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो भी दीर्घकालीन योजनाएं आपने बना रखी थी अब उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय आ चुका है। समय उत्तम रहेगा आपके लिए। आध्यात्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता का आलम रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा देखभाल में भी समय आपका व्यतीत होगा। आपको बताना चाहेंगे
कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और यकीन मानिए आप उसमें सफल भी रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बता दें समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी, सफलताओं के झंडे गाड़ेंगे आप इस समय में। साथ ही साथ इस समय किसी इंटरव्यू या फिर सम्मेलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इस समय का बेहतरीन सदुपयोग करें। साथ ही साथ अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या फिर रिश्तेदार से आपकी मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से आपको राहत भी देगी तथा एक नई ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए सुनने के लिए आप पिछले काफी समय से प्रयासरत थे दोस्तों, वह शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपके लिए, आपके मन के अनुसार जो इच्छाएं थी वे पूर्ण होंगी इस समय में। साथ ही साथ भवन निर्माण संबंधी यदि कोई कार्य रुके हुए हैं वे भी अब पुनः गति पकड़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व में और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, सावधानी के तौर पर इस बात को सुने, क्रोध व गुस्से को अपने ऊपर आप इस समय हावी ना होने दें, अन्यथा बना बनाया काम भी आपका बिगड़ सकता है। सावधान रहें, किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित अप्रिय घटना की सूचना मिलने से मन थोड़ा व्यतीत भी रह सकता है आपका। साथ ही साथ कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहें नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से। अपने मन के अनुसार कार्य करें, दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए आप। हालांकि आप उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे इन दिनों। साथ ही साथ खर्चों की भी अधिकता रह सकती है जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। बस ये आपको देखना है कि खर्च आपको धन का जो खर्च है वह किस प्रकार करना है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा या फिर कहा सुनी होने की आशंका है, थोड़ा सावधान नहीं बेहतर रहेगा कि फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ आप ना करें तथा अपने कार्य में ही ध्यान केंद्रित रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ एक बात का ध्यान यह भी रखें, इसे आप सावधानी पूर्वक सुने, आप अपनी भावनाओं तथा उदारता का फायदा मत उठने देना। या दोस्तों अपनी भावनाओं व उदारता का गलत फायदा भी आपका उठाया जा सकता है, थोड़ा सावधान रहें। इसलिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति से आप दूरी बनाकर रखें जो आपका अहित चाहता हो। ये आपको देखना है कौन आपका हित चाह रहा है, कौन आपका अहित चाह रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना आपके लिए आवश्यक है। और दोस्तों आपको बता दें अब आपकी इस समय लव लाइफ किस प्रकार रहेगी, आपका प्रेम जीवन किस प्रकार रहेगा, ध्यान से सुने। दोस्तों पारिवारिक वातावरण बेहद सुखद बना रहेगा, बच्चों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्नता रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा आपका मन। साथ ही साथ परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का इस समय प्रोग्राम भी बन सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से मन को सुकून और शांति प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच यदि कोई मतभेद चल रहा है उसका निराकरण होगा, समाधान निकलेगा, पुनः पति पत्नी के बीच रिश्ते प्रेम संबंधों में मजबूत आ जाएगी, मजबूती आएगी, प्रेम संबंध अब बहुत ही अनुकूल होने वाले हैं। इस समय में घर परिवार की व्यवस्था भी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगी, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने तथा रोमांटिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी व्यक्ति की सगाई या फिर विवाह से संबंधित योजनाएं भी बनेंगी,
प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपका व्यवसाय, आपका करियर किस प्रकार इस समय रहेगा, तो दोस्तों ध्यान से सुने, व्यवसाय और नौकरी से संबंधित किसी भी कार्य का प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय आपको स्वयं ही लेना होगा, चाहे वे नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यवसाय से, आपको स्वयं लेना होगा निर्णय, क्योंकि काम की क्वालिटी में कमी आने से खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को बॉस वे अधिकारियों से बहुत सराहना प्राप्त होगी, आपकी बढ़ाई होगी ये माने, क्योंकि आप काम ही कुछ इस प्रकार करेंगे, बॉस और अधिकारी वर्ग आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ऐसे भी योग बन जाएंगे कि उनका प्रमोशन भी हो सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है मनचाहा, इतना अच्छा समय साबित होगा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी नौकरी प्राप्ति के योग हैं, ये भी मान लें। यदि पिछले कुछ समय में आपने जल्दी में कोई इंटरव्यू दिया है, उसका अच्छा रिजल्ट, अनुकूल रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है, आपको मनचाही नौकरी मिलने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। या दोस्तों आप अपने धैर्य व आत्मबल पर अवश्य ही कोई बड़ा काम करने वाले हैं इस समय में, ये मान लें आप, इतना अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ किसी भी प्रकार का आप लेन देन करते हैं तो उसमें भी आप सावधानी बरतें। और आपको यह भी बता दें, यदि आप भूमि वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में हैं तो दोस्तों उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी तथा कार्य क्षेत्र में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने में भी आपको कामयाबी प्राप्त होगी, उच्च स्तर के अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे आपके। साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जुड़े हैं उसमें आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। और साथ ही साथ शेयर सट्टे से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी, सफलताएं मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट से मामला चल रहा है तो दोस्तों इस समय आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यदि कोर्ट से संबंधित कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो उसके अच्छे शुभ परिणाम आपके पक्ष में साबित होंगे। कुल मिलाकर व्यवसाय करियर से संबंधित समय अच्छा रहेगा, लाभ उठाएं समय का। और दोस्तों अब बात करें इस समय आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य तो आपका उत्तम रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। आपको बता दें ज्यादा तनाव की वजह से सरदर्द व एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें, अपने दिनचर्या व खान पान को उचित बनाकर रखें, आपको लाभ होगा। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, मसाले युक्त भोजन से परहेज करें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन्यवाद।